हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस बैक अगेन द ऑटोकास्ट। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाटा की नेक्सॉन, एक अच्छी एसयूवी। और आज हम आ चुके हैं टाटा मोटर्स के शोरूम में मथुरा नवल मोटर्स के पास में। और सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा इसकी की के साथ में। तो आप देख सकते हो जो इसकी की हमारे पास में अवेलेबल है, स्मार्ट की टाटा इसको प्रोवाइड करता है। यहाँ से आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो। इसको अगर आप यूज़ करोगे तो आप इसको फॉलो मी हेडलैम्प से, और इधर से आप चाहो तो इसका बूट भी एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं अब गाड़ी का जो रिव्यू है हमारा, वॉक अराउंड, और इसकी कुछ डिटेल्स हम शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं गाड़ी का बूट अनलॉक करके चेक, टाटा हमें प्रोवाइड करता है इसमें 380 लीटर्स का बूट स्पेस विद अ पार्सल ट्रे। यहाँ पर आप अपना कुछ छोटा मोटा सामान अपना रख सकते हो और एक अच्छा स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। बूट में अगर बात करें तो टाटा की तरफ से जो हमें प्रोवाइडेड है, यहाँ पे कुछ टूल्स किट हैं, और इधर की तरफ हमारे पास में एक स्टेपनी अवेलेबल है, प्लस इधर आपके जो जैक हैंडल वगैरह चीज़ें अवेलेबल हैं वो हैं। अगर मैं इसमें देख सकता हूँ तो यहाँ पे जो हमारे पास में स्टेपनी का व्हील साइज़ है वो आई थिंक 16 इंच है, यस R16। तो ये 16 इंच का हमारे पास में व्हील है, और जो बाकी इसके स्टैंडर्ड व्हील हैं वो कितने इंच के हैं एक बार हम उनको भी चेक करेंगे। एक बार उसको जाने से पहले आइए देखते हैं इसकी बैक प्रोफाइल इस अपलिफ्ट फेस लिफ्ट के साथ में जो टाटा ने हमें प्रोवाइड किया है। सबसे पहले आप देखिए कनेक्टिंग LED टेल लैंप्स फ्रॉम द राइट साइड टू द लेफ्ट साइड, पूरे आपके कनेक्टेड टेल लैंप्स अवेलेबल हैं। बैक के लिए यहाँ पे कैमरा अवेलेबल करवाया है, डुअल टोन कलर ओशन ब्लू प्लस वाइट रूफ, प्लस आप ऊपर देख सकते हैं शार्क फिन एंटीना यहाँ पे अवेलेबल है, रूफ रेल्स अवेलेबल हैं, और बैजिंग 50 लाख कार्स की, 50 लाख यूनिट्स अभी तक टाटा ने इसकी सोल्ड कर दी है वो हमारे पास में अवेलेबल है। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी काफ़ी मस्कुलर लगती है, अच्छी लगती है देखने में। एक आप देख सकते हैं डुअल कलर जो इसका स्टांस है काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में। कीलेस एंट्री आपको यहाँ पे अवेलेबल है, फ्रंट डोर के जो मिरर्स हैं इसके वो ग्लॉसी ब्लैक हैं, और पहले जो नेक्सॉन की यहाँ पे हमें क्रोम एलिमेंट अवेलेबल होता था, इसको अब टाटा ने कम्प्लीटली ब्लैक आउट कर दिया है। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं इसके व्हील्स के साथ में। व्हील्स जो हमारे पास में अवेलेबल कराए हैं टाटा ने, इसका मैं एक बार साइज़ चेक करता हूँ यहाँ पर क्या अवेलेबल करवाया है। 215/60 R16, तो 16 इंचेस के व्हील्स हमारे पास इसमें अवेलेबल हैं, और 16 इंचेस के व्हील्स के साथ में ही जो इसका स्टेपनी हमारे पास में अवेलेबल है वो भी सेम साइज़ है। तो दैट्स अ कूडोस टू टाटा। अब आइए चलिए चलते हैं इसके बैक सीट में और देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे अवेलेबल है बैक सीट। तो आ चुके हैं अपन नेक्सॉन के बैक सीट में। बैक सीट में आप देख सकते हैं जो कम्फर्ट अवेलेबल है, काफ़ी कुशनी सीट्स टाटा ने प्रोवाइड करवाई है, और आई थिंक अगर सेंटर में देखना चाहूँ तो आर्म रेस्ट नहीं है, लेकिन जो दोनों ही आपके पास में हेड रेस्ट हैं वो एडजस्टेबल हैं। 6 एयर बैग ऑलरेडी इंक्लूड किए हुए हैं टाटा ने, इस साइड और दैट साइड आप पढ़ सकते हैं एयर बैग की बैजिंग अवेलेबल है। बैक साइड में जो AC के वेंट्स हैं डुअल हमारे पास में अवेलेबल हैं। लेग रूम और नी रूम की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। मेरी हाइट अराउंड 5'8" 5'9" के आसपास है और मैं काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हुआ हूं। हेड रूम एक डिसेंट इनफ है हमारे पास में, और नी रूम की अगर मैं बात करूं तो वो भी डिसेंट इनफ है। हालांकि जो अभी ड्राइवर सीट है वो मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करी है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो मोरोवर तीन जने इसमें आराम से सिट हो सकते हैं। बॉटल स्पेस आप देख सकते हो, जो कि बॉटल के लिए यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल आप इजीली होल्ड कर सकते हो। कुछ अपना छोटा मोटा आइटम है वो आप यहाँ पे कैरी ऑन कर सकते हो, और यहाँ पे भी कुछ स्पेस आप अपना रख सकते हो। काफ़ी अच्छा इंटीरियर है, काफ़ी प्रीमियम है देखने में। सॉफ्ट टच हालांकि अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल इट्स क्वाइट गुड फ्रॉम द टाटा। तो चलिए चलते हैं एक बार आगे की तरफ, देखते हैं टाटा ने कॉकपिट में क्या कुछ चेंजेस किए हैं अपने फेसलिफ्ट के साथ। तो अपन अब आ चुके हैं इसके फ्रंट साइड में, क्या कुछ यहाँ पे चीज़ें चेंजेस हैं, और काफ़ी आप देख सकते हो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा इंटीरियर मेरे को फील हो रहा है एज़ कंपैरिजन टू ओल्ड नेक्सॉन। एक बार आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस जो अवेलेबल करवाया टाटा ने,
यहाँ पे कुछ आप अपना छोटा मोटा आइटम्स रख सकते हो। एक ग्लास होल्डर है यहाँ पे अवेलेबल, हैंड ब्रेक आपकी है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, टच पैनल्स इंक्रीज़ कर दिए हैं टाटा ने, इंफोटेनमेंट सिस्टम आपके पास में अवेलेबल है 10.2 इंचेस का, डुअल स्पोक स्टेयरिंग व्हील आपके पास में है जिसमें कि अभी आपको मैजिक कुछ देखने को मिलने वाला। इस साइड में आपके पास में अवेलेबल है आपके मिरर, साइड मिरर्स को एडजस्ट करने के लिए लेफ्ट और राइट को, ठीक है। इधर एयरबैग है आपका और सेम गोज ओवर देयर, 6 एयरबैग्स इसमें अवेलेबल हैं। और एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे चेंजेस अवेलेबल करवाए हैं टाटा। तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में आप देख सकते हो काफ़ी कुछ यहाँ पे जो चीज़ें हैं अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं आपका फोकस करवाना चाहूँगा जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है 10.2 इंचेस का, इसमें आपको मिलता है 360 डिग्री व्यू कैमरा प्लस, और जो अब आपका स्पीड क्लस्टर है यहाँ पे जो कि स्पीडोमीटर का था, ये हो चुका है फुली डिजिटल। स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ तो स्टीयरिंग व्हील में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टाटा का लोगो है ये अब हो चुका है इल्यूमिनेटेड। अगर स्टीयरिंग व्हील की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो इसका एडजस्टमेंट है ये 2-way एडजस्टेबल है आई थिंक सो, तो आप इसको टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो, टेलीस्कोपिक ये नहीं है तो ये 1-way ही है, तो इसमें कोई इतना मेजर चेंज नहीं किया है टाटा ने। इस साइड अगर आप देखना चाहो तो जो है आपके फ्रंट वाइपर्स के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक फंक्शन अवेलेबल्स हैं, हेडलाइट्स भी आपके पास में अवेलेबल हैं ऑटोमेटिक। लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग के आपको मिलते हैं आपके मीडिया कंट्रोल्स, और राइट साइड में मिलते हैं आपको क्रूज कंट्रोल्स के फैसिलिटी एंड ऑप्शंस। स्टार्टिंग अगर मैं अब यहाँ से आपको करके दिखाना चाहूँ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एरिया आपके पास में यहाँ पे मिलते हैं एसी के लिए वेंट्स, ये पूरा है आपके पास में टच पैनल, आप किसी भी चीज़ पर क्लिक करोगे इट विल गोइंग टू बी वर्क, और इनके आप कंट्रोल यहाँ से एडजस्ट और कम कर सकते हो वेदर द फैन स्पीड और एनीथिंग एल्स, तो जो भी चीज़ आपको करनी है विद अ सिंगल टच आप यहाँ पे यूज़ कर। बात करते हैं जो इसका इंजन पावर है, क्या इंजन पावर टाटा ने इसका सेम रखा है, हाँ या ना? तो यस इट्स द स्टिल सेम 1200 cc 3 सिलेंडर इंजन, और प्लस आपको अगर मैं यहाँ ऊपर की साइड दिखाना चाहूँ आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हमारे पास में रूफ इस बार अवेलेबल है इस मॉडल में। तो ये जो हमारे पास में मॉडल है ये है क्रिएटिव प्लस एस, ओके। और इस साइड हमारे पास में अवेलेबल है जो आपकी लैंप्स हैं प्लस, इधर कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं, पैसेंजर एयरबैग है, और फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो हमारे पास में वैनिटी मिरर अवेलेबल करवाया है टाटा ने, ग्रैब हैंडल्स हैं, सारी चीज़ें हैं। तो अब जो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है नेक्सॉन में बैठने का, नेक्सॉन को ओन करने का, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग। काफ़ी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मेजर अपग्रेड्स के साथ में लेके आया टाटा इसको। तो एक बार इसका फ्रंट लुक भी चेक करते हैं और फ्रंट से आपको ये कैसी लगेगी और क्या इसकी डिटेल्स रहेंगी फर्दर हम डिस्कस करेंगे। आपको चीज़ें यहाँ पर चेंजेस करी हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हो जो कि मेजर चेंज है वो है कनेक्टेड टेल लाइट, फ्रंट लाइट इसमें अवेलेबल नहीं है। ये है आपके पास में DRLs जो कि अपग्रेड कर दिए हैं टाटा ने, प्लस LED के साथ में आपके पास में मिलती है यूनिट जो कि इसकी काम करेगी। 360 व्यू कैमरा है तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा कैमरा ऑलरेडी इंसर्टेड है, पार्किंग फ्रंट सेंसर्स है आपके पास में अवेलेबल हैं, और जो वाइपर्स हैं वो नॉर्मली जैसे कि हमारे पास में ओल्ड आ रहे थे इसको चेंज किया जा सकता था, हालांकि दे आर स्टिल द सेम। यहाँ पे आपका ऑलरेडी जो रेन सेंसिंग सेंसर पहले से इंस्टॉल्ड है, तो ये कुछ डिटेल्स अभी तक हमारे पास में हैं। तो जैसा कि जो अभी अपन ने डिटेल्स शेयर करी, अब उसको हमें फर्दर कनेक्ट करेंगे चेतन जी। तो चेतन जी सबसे पहले मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा हमारे चैनल पर, थैंक यू, बहुत बहुत वेलकम है। तो आज आप हमारे साथ में कनेक्ट किए हैं टाटा नेक्सॉन के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा जो इसका ये कलर है, काफी अट्रैक्टिव कलर है, ओशियंस कलर है सर। एक्चुअल में क्या ये क्रिएटिव मॉडल का क्रिएटिव मॉडल में ही आता है ये कलर्स, आपको कुछ मॉडल्स ऐसे हैं कलर के हिसाब से ही खाली उसी वेरिएंट में आपको कलर्स मिलेंगे आपको ओनली वो, जैसे कि ये क्रिएटिव मॉडल आपको ओशियन कलर है ओनली क्रिएटिव मॉडल्स में ही आएगा। क्रिएटिव मॉडल्स के कुछ कलर्स ऐसे भी हैं आपके
जो वेन के हिसाब से चेंजेबल रहते थे। तो एक बार चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर, कुछ जो जानकारियां हमसे रह गई हैं वो हम जानना चाहेंगे आपकी तरफ। तो अभी चेतन जी के साथ में हम आ चुके हैं अपने कॉकपिट में, और कॉकपिट में आने के बाद में एक बार थोड़ा सा और इसका अच्छे तरीके से रिव्यू, जो कि कुछ डिटेल्स हमसे मिस हो गई हैं या हमें नहीं पता है, तो इसकी एक बेहतर नॉलेज के लिए अब कनेक्ट करते हैं चेतन जी के साथ में, और ये हमें आगे फर्दर गाइड करेंगे। और इवन के आपको जो भी यहाँ से नई परचेजिंग करनी है फ्रॉम टाटा मोटर्स नवल मथुरा, वो भी आपको उसके लिए बेटर गाइड करेंगे चेतन जी। तो भैया, जो टाटा ने अभी रिसेंटली नेक्सॉन, सफारी और हैरियर के फेसलिफ्ट लॉन्च किए हैं, आपका क्या कहना है इनके बारे में? जो पुराने मॉडल्स थे और नए मॉडल्स में क्या कुछ अपग्रेड्स आपको अच्छे लगे हैं, और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहेंगे कि एक कस्टमर जब एक ओन करना चाहता है एक न्यू कार को, तो उसको बेनिफिट रहे क्या? और जैसे कि हम जानते हैं ऑलरेडी टाटा के पास में जो सेफ्टी का अपना क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी आपने देखा होगा जो हैरियर और सफारी का भी GNCAP रेटिंग आई है, वो भी अराउंड 5 स्टार, वो भी मैक्सिमम आई है, अभी तक किसी भी इंडियन कार ने इतना स्कोर नहीं किया है। तो जो यहाँ पे एडवांटेजेस हैं ओन करने के नेक्सॉन को, तो वो मैं आपके साथ में जानना चाहूँगा, जो आप कुछ शेयर करना चाहें। अभी रिसेंटली नेक्सॉन में अभी तक जो गाड़ी का AVX आते थे वो 2 आते थे, इस गाड़ी के अंदर आपको 6 AVX मिल जाएंगे स्टैंडर्ड्स, बेस मॉडल से स्टैंडर्ड किए गए हैं 6 AVX आपकी गाड़ी के लिए, जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्लस पॉइंट आपका पहले के कंपेयर टू एडवांस किया गया आपका। अगर इसकी बात करें इसके पूरे फीचर्स वाइज आपके, तो इसमें काफ़ी एडवांस फीचर किए हैं, जैसे कि आपको डिजिटल अपना लोगो मिल जाएगा टाटा का अपना, और डिस्प्ले से आपके 10.25 इंचेस की आपको एंड्रॉइड एंड कारप्ले सपोर्ट रहेगी, हार्मन की डिस्प्ले रहती है अपनी, और जो टच पैनल है HVID आपका पूरा टच पैनल रहेगा आपका, AC हीटर्स आपके कंट्रोल्स खाली ACC ऑन रहेंगे आपका, प्लस वॉइस कमांड भी दे सकते हैं इसमें आपका, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसमें सेट कर सकते हैं। अगर सनरूफ की बात करूँ तो आपको इलेक्ट्रिकली सनरूफ मिल जाता है आपको, और सिंगल लाइन वन भी रहेगा आपको, वन टच में ये सनरूफ रहेगा आपका। इसके साथ में आपको म्यूजिक कंट्रोल मिल जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड की बात करूँ तो कुछ कंट्रोल मिल जाएगा आपको, और का आपको पट पैनल रहेगा आपका पूरा, 3 मल्टी ड्राइविंग मोड स्टैंडर्ड हैं जो पहले भी आते थे बेस मॉडल से ही, इको, सिटी, स्पोर्ट्स, शहर में चलाने के लिए नॉर्मली हाईवे पर, और स्पोर्ट यानी हिल्स एरिया हो गया आपका, या पिकअप के लिए रिसेंटली आपको चाहिए उसके लिए फीचर्स आपको सेफ्टी पिकअप देखने के लिए मिल जाएगा आपको गाड़ी में। इसके साथ में 360° कैमरा आपको एंड्रॉइड एंड कारप्ले सपोर्ट के साथ मिल जाता है इसमें आपका, वॉइस कमांड भी दे सकते हैं, 3D में 2D में आप दो अपने हिसाब से भी देगा आपको देख सकते हैं। वॉइस कमांड की बात करूँ तो नॉर्मली टेम्परेचर 25 सेट, से अ कमांड, टेम्परेचर 25 पे लगाए हैं, ऑल राइट, एसी का टेम्परेचर 25 पे सेट किया जा रहा है। ऐसे फीचर्स एडवांस आपको टाटा के साथ में मिल जाएंगे, प्लस आपको एडवांस की बात करें तो इसमें आपके लोकल्स लैंग्वेज या 200 लैंग्वेज के साथ में कंफर्ट रहेगा आपका पूरा, प्लस नॉर्मली एक फीचर एडवांस इसमें किया गया जो हम बच्चों के साथ में जाते हैं तो बच्चे साइड में बैठा लेते हैं अपन लोग, तो वहाँ AVX का जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है जिससे बच्चे नहीं झेल पाते, उसके लिए कंपनीज ने आपको AVX लॉक की फैसिलिटीज दी है जो आप लॉक भी कर सकते हो, अनलॉक भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग्स, वो सेफ्टी फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेस्ट प्लस पॉइंट है आपका। इसके साथ में 3-सीट चाइल्ड सेफ्टी के साथ में भी वो आपको प्रोवाइड की जा रही है आपके। काफ़ी एडवांस की बात करें तो रेन वाइपर सेंसर, ऑटो, हेडलैम्प्स, ये सारी चीज़ें आपको इसमें एडवांस मिल जाती हैं कंपेयर टू इसमें मॉडल्स। इसके मेन 4 मॉडल्स आते हैं आपके, बाकी उनके सब मॉडल्स आएंगे। ग्लोव बॉक्स की बात करें तो इसमें 15 लीटर का ग्लोव बॉक्स आ जाता है आपका, कपिंग होल्डर आपका नॉर्मली काफ़ी डीप रहेगा आपका, जिसमें आपको ग्लोव बॉक्स खाने पीने चाहिए आराम से रख सकते हैं। तो इस फेस्टिवल सीजन अगर आप चाह रहे हैं एक न्यू कार ओन करना, आप आ सकते हैं हमारे पास में टाटा मोटर्स नवल मोटर्स यहाँ पे मथुरा में, जो कि अवेलेबल है जय गुरुदेव मंदिर के पास में, और काफ़ी ढेरों गाड़ियाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें कि हम आपको चाहेंगे आप एक बार आइए चेक कीजिए अपने शोरूम पे अपने सिटी में, एक बार आप देखिए जानिए चेक कीजिए अपनी फैमिली के लिए, जो आप चाहते हैं एक सेफ़ एंड सिक्योर कार, वो सेफ़ एंड सिक्योर कार आपको ऑफ़र की जाएगी टाटा की तरफ से, और जिसमें कि हमारा
हेल्पिंग हैंड रहेंगे चेतन जी, आपको जब भी ज़रूरत रहेगी चेतन जी हमारे साथ में अवेलेबल रहेंगे और आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे एक न्यू कार ओन करने में, या जो भी आपकी डिमांड के अनुसार जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए जो भी इनसे बेस्ट पॉसिबल होगा उसके लिए हमें हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ में लेते हैं अलविदा, और मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट।